ऑक्सीजन का क्या महत्व है वह हम सभी लोगों को पता है। बिना खाने के आप कई महीनों तक जिंदा रह सकते हो, बिना पानी के कई दिनों तक जिंदा रह सकते हो, पर बिना ऑक्सीजन के कुछ ही मिनटों में हमारा शरीर खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से आप नेचुरल तरीके से आप अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट सिखाने वालों के जिनके जरिए आप अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हो, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे शरीर में जो अलग अलग बीमारियां होती है इसमें भी अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो पहले जान लेते कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारी हमारे शरीर में होती है। जब भी हमें कोई जगह पर इंजरी होती है, इनके बाद जो घाव बनता है इनको हील होने में काफ़ी टाइम लग जाता है अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। इनके अलावा ऑक्सीजन की कमी की वजह हमारे जो हाथ और पैर की जो छोटी छोटी नर्व्स होती है वह भी डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिनको न्यूरोपैथी बोला जाता है। डायबिटीज वाले दर्दी में इनको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोला जाता है। इनके अलावा इनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी या फिर पॉली न्यूरोपैथी भी बोला जाता है। इसमें हमारे हाथ और पैर की छोटी छोटी नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती है, फिर आपको हाथ और पैर में नमनेस होती है, यानी कि हाथ और पैर सुन पड़ने लगते हैं, वहाँ पर आपको कोई फीलिंग नहीं रहती है। इनके अलावा वहाँ के जो मसल्स होते हैं वह भी वीक होना शुरू हो जाते हैं। इनके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी होता है, इसमें भी हमारी नर्व्स डैमेज होने लगती है। और अगर ऑक्सीजन की कमी लंबे समय के लिए कंटिन्यू रहती है तो फिर हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वह भी डैमेज होने लगते हैं। इनके बाद हमारी मेमोरी के ऊपर असर पड़ता है और ब्रेन के संबंधी अलग अलग तकलीफें बड़ी उम्र में शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आपको मैं जो एक्यूप्रेशर पॉइंट सिखाने वाला हूँ इनके जरिए आप यह सभी तकलीफों में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो, और अगर यह सभी तकलीफें नहीं है फिर भी यह पॉइंट को आप नियमित दबाते हो तो आप अपने शरीर को यह सभी बीमारियों से बचा भी सकते हो। इनके अलावा यह पॉइंट को दबा के आप अपने फेफड़े के संबंधी अलग अलग तकलीफों में फायदा ले सकते हो। अगर आपके फेफड़े बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अगर आपको अस्थमा की तकलीफ है, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, थोड़ा सा भी आप काम करते हो आपकी सांसें फूल जाती है, आपको बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है, या फिर आपको कोरोना की असर है तो कोरोना के दर्दी में भी आप यह पॉइंट को दबा के अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वह पॉइंट का नाम है LU4, यानी कि लंग मेडियन का 4 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। जो हमारे शरीर में लंग मेडियन होता है वह हमारा जो कॉलर बोन है इनके नीचे यहाँ पर से स्टार्ट होता है, फिर हमारा जो आर्म है इनके मिड लाइन से पास होकर हमारा जो फोरआर्म है इनकी बाहर की बॉर्डर से पास होता है, फिर हमारी जो रीच लाइन है इनके बाहर से पास होकर हमारा जो थंब है वहाँ पर यह एंड हो जाता है। इसी तरीके से दूसरे हाथ में भी लंग मेडियन होती है। यह मेडियन के ऊपर कुल 11 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। पहला पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है और जो आखिरी 11th पॉइंट होता है वह इस जगह पर होता है। LU4 पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है। तो यह पॉइंट को हमें लोकेट कैसे करना है वह जान लेते हैं। यहाँ पर 2 टेक्निक से आप यह पॉइंट को बहुत ही आसानी से लोकेट कर लेते हो। यहाँ पर जो पहली टेक्निक है इनके लिए हाथ को इस तरीके से रख देना है। जो हमारा आर्मपिट है इनका जो आगे का एंड है वह एंड से 6 फिंगर आपको नीचे जाना है, तो मिड लाइन पर हमें यह पॉइंट मिलता है। हमारा आर्मपिट इनका जो आगे का एंड है वह एंड से पहले 3 फिंगर, इनके बाद दूसरी 3 फिंगर, यानी कि कुल 6 फिंगर हमें नीचे आना है, तो हमारे जो आर्म है इनकी मिड लाइन पर हमें यहाँ पर यह पॉइंट मिलता है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी देख लेते हैं। हमारा जो आर्मपिट है इनका आगे का एंड वह एंड से पहले 3 फिंगर, इनके बाद दूसरी 3 फिंगर, यानी कि कुल 6 फिंगर हमें नीचे आना है, तो हमारे आर्म के मिड लाइन पर इस जगह पर हमें यह LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। तो इस तरीके से भी आप यह पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। इनके अलावा यह पॉइंट को दूसरी बहुत ही आसान टेक्निक से भी लोकेट कर सकते हो। आपको अपने हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाना है,
इनके बाद हाथ को हमें नोज की डायरेक्शन में इस तरीके से आगे ले जाना है, हेड को सीधा रखना है, इस तरीके से नहीं घुमाना है। तो यहाँ पर हमारे नोज की टिप हमारे हाथ को जहाँ पर टच करती है वहाँ पर हमारा यह एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। दूसरी साइड देख लेते हैं, हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाना है, फिर हमारे हाथ को नोज की डायरेक्शन में इस तरीके से आगे ले जाना है, हेड आपका सीधा रहेगा, एक साइड घूमना नहीं चाहिए, इस तरीके से आगे ले जाइए। तो हमारे नोज की टिप हमारे हाथ को जहाँ पर टच करती है वहाँ पर हमारा यह L4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें मिलता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से यह पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। अभी जान लेते हैं यह पॉइंट को हमें दबाना कैसे। आप बारी बारी दोनों पॉइंट को दबा सकते हो, पहले एक पॉइंट को दबा लीजिए फिर दूसरे पॉइंट को दबाइए, या फिर दोनों पॉइंट को एक साथ भी दबा सकते हो। तो यहाँ पर थंब या तो मिडल फिंगर का इस्तेमाल करके हमें यह पॉइंट को इस तरीके से दबाना है, इनके ऊपर कंटिन्यूअस 2 से 5 मिनट के लिए दबाव देना है, इनके बाद स्पाइन को सीधा रखना है, आंखें बंद कर देनी है और फिर आपको अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। दो से पाँच मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, पॉइंट को अच्छी तरीके से दबाना है ताकि आपको हल्का हल्का दर्द वहाँ पर महसूस हो, इस तरीके से यह पॉइंट को दबाना है। या फिर आप थंब का इस्तेमाल करके भी यह पॉइंट को दबा सकते हो, कंटिन्यूस दबाव देना है, हल्का हल्का पेन महसूस होना चाहिए, उस तरीके से यह पॉइंट को दबाना है। स्पाइन को सीधा रखिए, के बाद आंखें बंद करके डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरीके से आप दोनों पॉइंट को बारी बारी दबा सकते हो या फिर एक साथ भी यह पॉइंट को दबा सकते हो। इनके लिए आपको इस तरीके से पिस्तौल ग्रिप बना लेनी है, इनके बाद फिर हाथ को क्रॉस करना है, फिर राइट मिडिल फिंगर की जो टिप है इनसे हमें लेफ्ट पॉइंट को दबाना है और जो लेफ्ट मिडिल फिंगर की टिप है इनसे हमें राइट पॉइंट को इस तरीके से दबाना है। कंटिन्यूस दबाव देना है, अच्छी तरीके से दबाना है ताकि हल्का हल्का दोनों पॉइंट पर पेन शुरू हो जाए। इनके बाद स्पाइन को सीधा करिए, इरेक्ट बैठ जाना है, आंखें बंद कर दीजिए, फिर आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज 2 से 5 मिनट के लिए करनी है। इस तरीके से यह पॉइंट को हमें एक्टिवेट कर लेना है। यह पॉइंट को आपको दिन में 3 से 4 बार दबाना चाहिए अगर कोई तकलीफ है तो। अगर कोई तकलीफ नहीं है फिर भी यह पॉइंट को आप नियमित दबाते हो तो आप अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रख सकते हो। तो आशा रखते हो कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।